अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़े ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में डॉल्फिन देखने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसके बहुत सारे सूरतें हो सकती हैं। पहले हम जानेंगे कि मुख्तलिफ उलमा की इसके बारे में राय क्या है, और उसके बाद कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत और तलाक याफ्ता औरत के बारे में भी इसकी अलग अलग तबीरात के बारे में जानेंगे। एक ख्वाब की तबीर मुख्तलिफ उलमा की राय में मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको अपने ख्वाब की तबीर सही तरीके से समझ आ सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आप अपडेट रह सके। ख्वाब में डॉल्फिन को आम तौर पर देखने की ताबीर। ख्वाब में डॉल्फिन को देखना आम तौर पर उम्मीद अफजा नहीं होता, क्योंकि बहुत से मामला ऐसे हैं जहां मामला कदरे आसान है। ख्वाब में डॉल्फिन को देखना देखने वाले के बहुत से दुश्मनों की मौजूदगी की तरफ इशारा करता है, बशमूल वो लोग जो उसके खिलाफ साजिश करते हैं। और जो कोई डॉल्फिन को समंदर में हंगामा खेज या ऊंचे पानी में तैरता हुआ देखे तो उस शख्स को माली बहरान होगा और उसे मदद की जरूरत पड़ेगी। और जब वो फर्जी तौर पर देखता है कि वो एक डॉल्फिन का मालिक है और उसे अपने घर में पालता है, तो इससे जाहिर होता है कि वो बहुत से बहरानों में घिरा हुआ है, लेकिन वो उन पर जल्द काबू पा लेगा। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ख्वाब में डॉल्फिन देखने की ताबीर। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस अजीम नेकी का जिक्र किया है जो देखने वाला उस वक्त हासिल करेगा जब वो खुद को उसी पानी में डॉल्फिन के साथ तैरते हुए देखे। डॉल्फिन को ख्वाब में देखना एक ऐसी चीज है जो रूह को खुशी और मुसर्रत देती है, क्योंकि यह उस खूबी की नुमाइंदगी करता है जो देखने वाले को मुस्तकबिल में मिलेगी। डॉल्फिन को देखना घर के लोगों में प्यार, दोस्ती और अच्छे इखलाक की निशानदेही करता है। और जब आप डॉल्फिन को अपने मालिक के साथ ऊंचे पानी में तैरते हुए देखते हैं तो ये उस पर आने वाली मुसीबतों की निशानदेही करता है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक ख्वाब में डॉल्फिन को देखना। अगर कोई शादीशुदा शख्स अपने आप को डॉल्फिन के साथ खेलते हुए देखता है तो इससे जाहिर होता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी मुस्तहकम है। और अगर कुंवारी लड़की ख्वाब में एक बड़ी डॉल्फिन देखे तो इसका मतलब है कि उसकी मंगनी किसी ऐसे मुखलिस शख्स से हुई है या होगी जो खुदा और उसके रसूल का हुक्म बरदार है और उसे तमाम लोग पसंद करते हैं और उसका इखलाक बहुत अच्छा है। इब्ने शाहीन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ख्वाब में डॉल्फिन देखने की ताबीर। जो शख्स ख्वाब में डॉल्फिन को देखता है उससे ये जाहिर होता है कि इंसान को अपने दोस्तों से मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि उसका मिजाज बेचैन होता है और जब वो अपनी जिंदगी में कोई फैसला करता है तो उसमें लापरवाही करता है। अगर लड़की मंगनी का इरादा कर रही हो और उसे ख्वाब में डॉल्फिन नजर आए तो इसका मतलब है कि उसका होने वाला मंगेतर एक सेहतमंद आदमी है। और अगर ख्वाब देखने वाला कुंवारा नौजवान है तो इसका मतलब है कि वो जिससे चाहेगा उससे मंगनी में कामयाब होगा। ख्वाब में काली डॉल्फिन देखना। अगर देखने वाली लड़की थी और शादी और मंगनी की उम्र की थी और उसे ख्वाब में काली डॉल्फिन नजर आती है तो इससे जाहिर होता है कि इंशाल्लाह उस लड़की की जल्द मंगनी हो जाएगी। अगर देखने वाला कुंवारा लड़का हो और ख्वाब में काली डॉल्फिन देखे तो इसका मतलब है कि यह शख्स अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा। ख्वाब में डॉल्फिन के साथ खेलने की ताबीर। अगर कोई लड़की अपने आप को डॉल्फिन के साथ खेलते हुए देखती है तो इससे जाहिर होता है कि ये लड़की अपनी दुनिया में भलाई, खुशी और इत्मीनान लाएगी और लोगों में एक बावकार मकाम हासिल करेगी। इसी तरह अगर कोई लड़की कुंवारी है और ख्वाब में देखती है कि वो एक बड़ी डॉल्फिन के साथ खेल रही है तो इसका मतलब है कि उसकी जल्द मंगनी हो जाएगी। और अगर ख्वाब देखने वाला मर्द था और किसी खास लड़की से शादी करना चाहता था तो ख्वाब में डॉल्फिन देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जल्द या देर से वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा। और अगर हामला औरत अपने आप को छोटी डॉल्फिन के ग्रुप के साथ खेलते हुए देखती है तो इसका मतलब है कि वो लड़की को जन्म देगी। और अगर वो खुद को एक बड़ी डॉल्फिन के साथ खेलते हुए देखे तो यह खबर बताती है कि बच्चा लड़का होगा। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में डॉल्फिन देखने की ताबीर। जब एक गैर शादीशुदा लड़की डॉल्फिन का ख्वाब देखती है जिसका चमकदार सफेद रंग हो तो ये उसके मुस्तकबिल में आसानी और बरकत की निशानदेही करता है। और अगर उस गैर शादीशुदा लड़की को नजर आने वाली डॉल्फिन बड़ी जिसामत की है तो इससे जाहिर होता है कि वो अपनी पेशा वराना और तालीमी जिंदगी में कामयाब होगी। और अगर कोई लड़की अपने ख्वाब में डॉल्फिन का एक ग्रुप देखे तो ये उसके अच्छे बर्ताव की तरफ इशारा करता है, जिसकी वजह से लोग उसे पसंद करते हैं। और जब वो अपने घर के अंदर एक डॉल्फिन को देखती है तो इससे जाहिर होता है कि उस लड़की को एक अच्छे इखलाक वाले नौजवान की तरफ पेश किया जाएगा। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में डॉल्फिन देखने की ताबीर। अगर कोई शादीशुदा औरत खुश डॉल्फिन देखती है तो इससे जाहिर होता है कि उसकी रोजी रोटी फैलेगी और आने वाले दिनों में वो अपनी जिंदगी से लुत्फानंदोज होगी। ताहम अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में डॉल्फिन को नाखुशी और तकलीफ की हालत में देखे तो फुकहा का ख्याल है कि औरत को अपनी अज़्दवाजी जिंदगी में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हामला औरत को ख्वाब में डॉल्फिन देखना। अगर हामला औरत ख्वाब में देखती है कि उस पर डॉल्फिन के एक ग्रुप ने हमला किया है तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि उसे मुश्किल वक्त और बहुत से मसाइल और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और जब हामला औरत अपने आप को उसी पानी में डॉल्फिन के साथ तैराकी करते और उनके साथ खेलते हुए देखती है तो इससे जाहिर होता है कि उसका बच्चा ठीक है और शायद लड़का है।
और अगर कोई हामला औरत अपने घर में डॉल्फिन देखती है और उसे खाना खिलाती है तो इससे जाहिर होता है कि उसकी पैदाइश आसान हो जाएगी। दोस्तों ये थी आज की तबीरें, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।